इंडिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश, फिर हम सोचते हैं विक्रांत मैसी की वो हिट फिल्म जिसे बोरिंग बोलकर 5 डायरेक्टर्स ने किया था रिजेक्ट और बेकार बोलकर की थी उनकी बेइज्जती, उसी का आ रहा है अब प्रीक्वेल। पर क्या इससे विक्रांत को हटाकर मेकर्स लगाएंगे उन्हें ही चुना? तो अभी हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है 2023 की विक्रांत मैसी की सुपर हिट फिल्म 12th फेल। और ये वही फिल्म है जिसने 20 करोड़ में 70 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था। और अब इसी फिल्म का प्रीक्वेल आने वाला है जिसका नाम होगा जीरो से रीस्टार्ट, जिसे 12th फेल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा बना रहे हैं, जिसका एक डिजिटल पोस्टर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। बाय द वे, इस फिल्म का पोस्टर भले ही अभी शेयर किया गया हो पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट विधु विनोद चोपड़ा ने 2024 के आईफा अवार्ड्स में ही कर दी थी। वैसे जीरो से रीस्टार्ट इसका कनेक्शन 12th फेल से ही है। दरअसल जब 12th फेल बनाने के बारे में विधु विनोद चोपड़ा ने सोचा था तब उन्होंने कई सारे डायरेक्टर्स से बात की थी, मतलब तकरीबन 5 डायरेक्टर्स से तो की ही थी, पर सब ने उनके मुंह पर ही ना बोल दिया। और कुछ लोगों ने तो मजाक मजाक में ये बोला कि ये क्या बोरिंग स्टोरी है, बहुत ही सिंपल है, ये चलेगी नहीं। वहीं विधु विनोद चोपड़ा जो 4 नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं, जिन्हें क्राइम ड्रामा परिंदा, देशभक्ति रोमांटिक ड्रामा 1942 अ लव स्टोरी और मिशन कश्मीर जैसी पॉपुलर फिल्मों के डायरेक्शन के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा वो मुन्ना भाई सीरीज के साथ 3 इडियट्स, PK और संजू से फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो उन्हें उनके कुछ करीबी दोस्तों ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो भाई, ये कैसी फिल्म बना रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और विक्रांत जब इस फिल्म के हीरो है उन्हें ये मालूम चला तब उन्होंने ये बोला कि ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में कोई नहीं जाएगा, और कोई गया भी तो ये तकरीबन 30 लाख तक का ही कलेक्शन करेगी, बाकी सब बेकार है। पर आज रिजल्ट हम सबके सामने है, और जिन जिन लोगों ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म को विक्रांत को अंडर एस्टिमेट किया था उन्हें अच्छा खासा तमाचा तो मिल ही गया होगा। तो अब जीरो से रीस्टार्ट ये फिल्म 12th फेल के पीछे की उसी कहानी पर बात करने वाली है, ये उन सब पर बात करने वाली है जिन जिन लोगों ने इस फिल्म को लायक नहीं समझा, और ये फिल्म उन लोगों को एक हौसला देने वाली है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं पर लोगों की वजह से परेशान होकर पीछे हटते हैं। तो स्क्रैच से लेकर एक हिट फिल्म बनाने तक सब बेसिकली इस फिल्म में दिखाया जाएगा। पर इसमें 12th फेल के लीड हीरो विक्रांत मैसी होंगे या फिर नहीं, मतलब कोई स्टार किड उन्हें रिप्लेस करेगा, मेकर्स हिट दे चुके विक्रांत को धोखा देंगे, ऐसी न्यूज आ रही थी, तो क्या ये सच है? तो बिल्कुल भी नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर विक्रांत के नाम पर कुछ लोगों ने तब मजाक उड़ाया होगा तो उस बात को इंक्लूड करते हुए उन्हें इस फिल्म में दिखाना जरूरी है, और बिना हीरो के फिल्म कैसे चलेगी भाई। उसी के साथ साथ 12th फिल्म की बाकी स्टारकास्ट भी इस पर नजर आएगी। वैसे हम तो उस फिल्म के लिए बहुत खुश है, और ये फिल्म 13 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है, और ये सुनकर हमारी खुशी थोड़ी सी कम हुई क्योंकि 5 दिसंबर को पुष्पा 2 आ रही है, 6 दिसंबर को शायद विकी कौशल की फिल्म छावा आ सकती है, और 25 दिसंबर को वरुण धवन की बेबी जॉन आने वाली है, मतलब बड़ी बड़ी फिल्में इस महीने में एंट्री मारने वाली है। पर ऐसे में भी हम इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट तो नहीं करेंगे क्योंकि 12th फेल को पहले ऐसे ही अंडर एस्टिमेट किया गया था जिसने ओपनिंग पर बस 1 करोड़ का ही कलेक्शन किया था, पर धीरे धीरे करके ये फिल्म कब 70 करोड़ तक पहुंच गई किसी को मालूम ही नहीं चला। तो अंडर एस्टिमेट तो नहीं करेंगे पर ऐसी फिल्म का नुकसान ना हो बस यही ख्वाहिश है। वेल, देखते हैं कि क्या होता है। आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828 8500 88.